सभोपदेशक 12 अध्याय और उसका एक आयत में लिखा है परमेश्वर के वचन में, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हर एक जवानों से कह रहा है, खासकर कलीसिया के जवानों से, कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। आज के समय में माँ बाप की अधिकतर उम्मीदें अपने घर के जवान बच्चों से होता है। माँ बाप चाहते हैं कि घर में जो जवान बच्चे हैं वो घर की जिम्मेवारियों को संभालें, घर के बोझ को संभालें। ठीक वैसे ही परमेश्वर के राज्य में, कलीसिया में, महान परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया में जो जवान हैं वो कलीसिया के जिम्मेवारियों को समझें, जिम्मेदारियों को संभालें। जो जवान बच्चे अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते, घर के जिम्मेदारियों को नहीं समझते, घर के जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभाते, घर के जो बोझ हैं उनको सही समय पर नहीं उठाते, तो ऐसे बच्चों से, ऐसे जवान बच्चों से माँ बाप बहुत दुखी रहते हैं। ठीक वैसे ही कलीसिया में भी, कलीसिया में जो जवान लोग हैं, यदि वे लोग परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, परमेश्वर के वचन पर मन नहीं लगाते, परमेश्वर की संगति में मन नहीं लगाते, तो महान परमेश्वर भी ऐसे जवान विश्वासियों से, जवान मसीहों से दुखी होता है, क्योंकि महान परमेश्वर को जवानों से बहुत सारी उम्मीदें हैं। जिस प्रकार से हर एक माँ बाप को अपने जवान बच्चों से बहुत सारी उम्मीदें रहती है, ठीक वैसे ही महान परमेश्वर को कलीसिया के जवानों से बहुत सारी उम्मीदें हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हर एक जवानों से कह रहा है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। परमेश्वर के वचन में एक जगह लिखा है, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 22 आयत में, तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 22 आयत। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन जवानों से कह रहा है, खासकर कलीसिया के जवानों से, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कलीसिया के तमाम जवान लोगों से ये बातें कह रहा है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। तो जवानी की अभिलाषा क्या है? जवानी की अभिलाषा है शरीर का सुख, आँखों का सुख, जीविका की अभिलाषा, ये है जवानी की अभिलाषा। जो बुजुर्ग हैं 75, 80 या 85 साल के, वे बहुत कम ही जवानी की अभिलाषा में भागते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे बुजुर्ग ऐसा होते हैं, कुछ लोगों का मन जवानी की अभिलाषा में मचलता रहता है लेकिन शरीर काम नहीं देता। लेकिन जो जवान रहते हैं उनके शरीर में एक प्रकार का अलग एनर्जी होता है, एक प्रकार का अलग ही ताकत होता है, तो इसलिए जो जवान लोग हैं वो अधिकतर अभिलाषा में भागते हैं। तो महान परमेश्वर का वचन कलीसिया के जवानों को हिदायत दे रहा है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। कौन लोग शुद्ध मन से प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं? जो लोग निरंतर कलीसिया की संगति में बने हुए हैं, जो लोग निरंतर प्रभु यीशु मसीह की संगति में बने हुए हैं, जो लोग निरंतर प्रार्थना में लगे हुए हैं, जो लोग हर रविवार चर्च जाते हैं, जो भाई परमेश्वर के वचन का सही रूप से उपदेश देते हैं, परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, परमेश्वर के वचन को समझाते हैं, पूरी अपनी चाल चलन में जो निर्दोष रहते हैं, उनका पीछा करने के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है जवानों से कह रहा है परमेश्वर का वचन कि जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और
मेल मिलाप का पीछा कर। तो कलीसिया के जवानों को चाहिए कि वे कलीसिया की संगति में निरंतर बने रहें, प्रार्थना में बने रहें, अपने अगुओं की अधीनता में रहें, अपने पास्टरों का संगति में रहें, अपने पास्टरों की संगति में रहें। ये परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, क्योंकि कलीसिया में जो अगुए होते हैं, जो पास्टर होते हैं, वे प्रभु का वचन सुनाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, सृष्टि के सृजनहार परमेश्वर के बारे में बताते हैं, स्वर्ग के परमेश्वर के बारे में बताते हैं, उद्धार के बारे में बताते हैं, पवित्र जीवन जीने की सीख देते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन जवानों को हिदायत दे रहा है कि जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ विश्वास, उनके साथ धर्म, विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। तो महान परमेश्वर का वचन हर एक जवानों से कह रहा है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। वो जवान धन्य लोग हैं जो कलीसिया की जिम्मेदारी को समझते हैं, कलीसिया की जिम्मेदारी को उठाते हैं। घर में कुछ जवान बच्चे होते हैं जो घर की जिम्मेदारियों को नहीं समझते, घर के बोझ को नहीं उठाते, तो इस विषय में उनके माँ बाप बड़े दुखी होते हैं। ठीक वैसे ही कलीसिया में जो जवान कलीसिया की जिम्मेदारियों को नहीं समझते, कलीसिया की जिम्मेदारियों को नहीं उठाते, अपने अगुओं की अधीनता में नहीं रहते, तो इससे महान परमेश्वर दुखी तो होता ही है, साथ में कलीसिया के अगुवे भी दुखी होते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जवानों से, तो आज के समय में जवानों को चाहिए, कलीसिया के जवानों को, कि वे कलीसिया के जिम्मेदारियों को उठाएं और अपने अगुओं की अधीनता में रहें, अपने पास्टरों की अधीनता में रहें। तो ऐसे जवान मसीहों से, ऐसे जवान विश्वासियों से महान परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है जो कलीसिया के जिम्मेदारियों को ठीक रीति से निभाते हैं। ठीक वैसे ही घर या परिवार में जो जवान बच्चे घर की जिम्मेदारियों को उठाते हैं, घर के बोझ को उठाते हैं, उनसे माँ बाप बहुत प्रसन्न होते हैं। एक आयत है परमेश्वर के वचन में, और इसको जब हम पढ़ते हैं, विलाप गीत और उसका 3:27 में, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। जो पुरुष जवानी में जुआ को उठाते हैं, मतलब घर की जिम्मेदारियों को उठाते हैं, घर के बोझ को उठाते हैं, वो पुरुष यहोवा परमेश्वर की ओर से धन्य है। ठीक वैसे ही कलीसिया में जो जवान लोग हैं कलीसिया के जिम्मेदारियों को उठाते हैं, कलीसिया के कार्यों में अपने मन को लगाते हैं, बढ़ चढ़कर कलीसिया के कार्यों में हिस्सा लेते हैं, ऐसे जवान लोगों से महान परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है और वो जवान धन्य है। जो हमने अभी वचन में पढ़ा कि पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। अब हम आगे परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए और वे वर्ष जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। तो ये विपत्ति का कौन सा दिन है जो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए, तो जवानी के बाद एक विपत्ति का दिन आएगा, और एक क्या, कई सारे विपत्ति के दिन आएंगे जिनमें तू कहे मेरा मन इनमें नहीं लगता। तो दरअसल बुढ़ापा ही विपत्ति का दिन है, बूढ़ा अवस्था होना ही विपत्ति का दिन है। अभी जवानी में हमारा सब में मन लगता है, घूमने में मन लगता है, अच्छा अच्छा पकवान खाने में मन लगते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों में मन लगता है, परंतु बुढ़ापा में किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा। और बुढ़ापा ही विपत्ति का दिन है जो हमने अभी परमेश्वर के वचन में पढ़ा कि मेरा मन इनमें नहीं लगता, इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिराएं।
तो जब हम 75 या 80 साल के होंगे या 85 साल के होंगे तो हम पूरी तरह बूढ़ा अवस्था में पहुंच जाएंगे, तो सूर्य भी हमें धुंधला दिखाई देगा, चंद्रमा भी धुंधला दिखाई देगा, तारेगण भी धुंधला दिखाई देंगे। इसलिए कह रहे कि ये विपत्ति का दिन है। उस समय घर के पहरुए कांपेंगे। तो घर का पहरुआ कौन है जो कांपने लगेंगे? तो दरअसल घर का पहरुआ है हमारा बाजू। हमारा शरीर ही एक घर है और हमारा जो बाजू है ये पहरुआ है। और यहाँ पर लिखा है घर के पहरुए कांपेंगे। अभी हम कांप नहीं रहे हैं, अभी हम जवान हैं तो हम ठीक ठाक हैं, हम अच्छे से दौड़ रहे हैं, अच्छे से कूद रहे हैं, अच्छे से चल फिर रहे हैं, हम मस्त हैं। लेकिन जब हमारा बुढ़ापा आएगा तो घर के पहरुए कांपेंगे, अर्थात हमारे हाथ पैर कांपने लगेंगे। जब हम 80-85 साल के हो जाएंगे, 90 साल के हो जाएंगे, तो हमारी बाजुएं कांपने लगेंगी। यही है विपत्ति का दिन। तो इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए, हम अपने सृजनहार परमेश्वर को याद कर लें, उसे प्रेम करें, उसके राहों पर चलें, ताकि बुढ़ापा में हमें पछताना न पड़े कि हमने जवानी में परमेश्वर का संगति नहीं किया। इसलिए हम अपने जवानी को अपने परमेश्वर को दें, क्योंकि बाइबल कह रही है कि घर के पहरुए कांपेंगे। तो हमारा जो बाजू है, हमारा जो हाथ पैर है, ये हमारी ताकत है। लेकिन बुढ़ापा में हमारा हाथ पैर कांपने लगेगा, हम थरथरा के चलेंगे और बलवंत झुक जाएंगे। तो बलवंत किस चीज़ को कहा गया है परमेश्वर के वचन में? हमारे कमर को कहा गया है। अभी हम जवान हैं तो तन कर चल रहे हैं, सीना तान कर चल रहे हैं, सीधे चल रहे हैं। लेकिन जब हमारा बुढ़ापा आएगा, हम पूरी बुढ़ावस्था में चले जाएंगे, तो हमारा जो कमर है वो झुक जाएगा, हमें लाठी का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि बलवंत झुक जाएंगे। और यही है विपत्ति का दिन। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए और वे वर्ष जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता, और पीसनहारियाँ थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी। तो पीसनहारियाँ क्या है? ये हमारे दांत पीसनहारियाँ हैं, जो हम हर एक खाने की चीज़ों को चबा चबा कर खाते हैं, अच्छे से खाते हैं और पचा भी लेते हैं। लेकिन जब हम बूढ़े अवस्था में चले जाएंगे, 75, 80 या 85 साल के हो जाएंगे, तो हमारे दांत सिर्फ एक दो रह जाएंगे और बाकी सारे दांत समय के अनुसार टूट कर गिर जाएंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पीसनहारियाँ थोड़े रहने के कारण काम छोड़ देंगी। अगर हमारे मुंह में 2 या 3 दांत बचा रहेगा, 4-5 दांत बचा रहेगा, तो हम ठीक से खाने की वस्तुओं को चबाकर नहीं खा पाएंगे, क्योंकि हमारे जो मस्कूर हैं वो भी ढीले पड़ जाएंगे और इस कारण हमारा दांत काम करना छोड़ देगा। फिर उस समय हम बहुत ही तरल खाना खाएंगे, बहुत ही मुलायम खाना खाएंगे और थोड़े खाएंगे। जिस प्रकार से आज हम जवानी में अच्छे से खाना खा लेते हैं, बहुत सारी खाने की वस्तुओं को चबा चबा कर खा लेते हैं, लेकिन बुढ़ापे में जब हमारे कुछ दांत रहेंगे तो हम खाने को भी ठीक से नहीं खा पाएंगे, और यदि खा भी पाएंगे तो थोड़े खाने खा पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पीसनहारियाँ थोड़े रहने के कारण काम छोड़ देगी, और झरोखों में से देखने वालियाँ अंधी हो जाएंगी। झरोखा, ये झरोखा हमारा आँख है जिससे हम देखते हैं, ये पलक हमारा झरोखा है, और झरोखों में से देखने वालियाँ अंधी हो जाएंगी। आज जिस प्रकार से हम हर एक चीज़ों को अच्छे से देख लेते हैं, पहचान लेते हैं, फ़र्क लेते हैं, लेकिन जब हम बूढ़ा अवस्था में चले जाएंगे, बुढ़ापे में चले जाएंगे, तो हमारी आँखें अंधी हो जाएंगी, हमारी नज़रें कमज़ोर हो जाएंगी। बेशक हम चश्मा लगा सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आज हम अपनी जवानी में हर एक चीज़ों को अच्छे से देख पा रहे हैं, लेकिन बुढ़ापे में ऐसे नहीं देख पाएंगे। और यही है विपत्ति का दिन।
इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार परमेश्वर को स्मरण कर ले, अपने सृजनहार परमेश्वर को याद कर ले, ताकि हमें बाद में पछताना न पड़े। यदि हम आज परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे जवानी में, आज प्रभु की संगति नहीं करेंगे जवानी में, तो शायद हमें बुढ़ापा में पछताना पड़ेगा कि हमने जवानी में परमेश्वर का महिमा नहीं किया। तो इसलिए हम अपनी जवानी अपने परमेश्वर को दें और परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी अधीनता में रहें। और फिर लिखा है, और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा हो जाएगा। सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे, तो इसका क्या अर्थ है? ये हमारे कान के विषय में कह रहा है कि हमारे जो कान के पर्दे हैं ये काम करना बंद कर देंगे, ये सुनना बंद कर देंगे। अभी हम हर एक चीज़ों को अच्छे से सुन ले रहे हैं, अच्छे से समझ ले रहे हैं। कोई धीरे आवाज़ में भी बोलता है तो भी हम सुन लेते हैं, लेकिन जब हम बूढ़ा हो जाएंगे या बूढ़ी हो जाएंगे तो ये कान के किवाड़ बंद हो जाएंगे, हमारी जो कान के जो पर्दे हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे, और लोग हमें ज़ोर से भी बात करेंगे तो भी हमें कम सुनाई देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा। अर्थात लोग हमें ज़ोर से तो बात करेंगे लेकिन फिर भी हमें धीरे सुनाई देगा, और यदि सुनाई देगा भी तो हम ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो ये बुढ़ापा विपत्ति का दिन है, तो ये विपत्ति के दिन आने से पहले हम अपने सृजनहार परमेश्वर को अपनी जवानी में स्मरण कर लें, अपनी जवानी में हम अपने सृजनहार परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी संगति करें। और आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है, और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा, तड़के चिड़िया बोलते ही एक उड़ जाएगा। गांव में अक्सर होता है, अब शहर की बातें तो ज़्यादा मुझे पता नहीं है, लेकिन गांव में जैसे ही भोर होता है, 3 या 4 बजते हैं, तो चिड़िया चहचहाने लगती है, तो गांव में बूढ़े लोग जल्दी उठ जाते हैं और उठ के बैठे रहते हैं। कई लोग लाठी लेकर दरवाजे के पास बैठे रहते हैं, कई लोग खाट में बैठे रहते हैं। तो ये बूढ़ा अवस्था का दिन के बारे में बताया गया है। आज भले ही हम जो जवान हैं 8 बजे तक सोते रहते हैं, 9 बजे तक सोते रहते हैं, तो हमें सुबह उठकर परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, भोर में उठकर परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, हो सके तो वचन भी पढ़ लेना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बुढ़ापे में हमें पछताना ना पड़े। तो ये बुढ़ापा विपत्ति का दिन है। बुढ़ापे में तो कई बार उनके बच्चे भी पसंद नहीं करते। आज भले ही हम जवान हैं तो हमारे बच्चे मम्मी पापा कह रहे हैं, लेकिन यदि हम कल के समय में बूढ़े हो जाएंगे, 75-80 साल के हो जाएंगे, 90 साल के हो जाएंगे, तो शायद हमारे बच्चे भी हमें ठीक से प्रेम ना करें कि कहीं हमारे माँ बाप को माँ बाप की सेवा ना करना पड़े। क्योंकि जब बुजुर्ग होते हैं तो कुछ बीमारियाँ बूढ़ों को हो जाती है, तो इसलिए कई बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करने से कतराते हैं, भागते हैं। तो इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए, हम अपनी जवानी में अपने सृजनहार परमेश्वर को याद कर लें। तो जवानों को चाहिए कि वो सुबह उठकर प्रार्थना करें। जब भजन संहिता हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, राजा दाऊद ने कहा है कि हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई दे। अर्थात जब हम भोर में उठकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। तो हम जवानी को एक अभिलाषा के तहत ना जिएं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिएं। और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। आज हम जवान हैं तो अच्छे से गा ले रहे हैं, अब जो संसार में जो जवान लोग हैं वो फिल्मी गाना गाते हैं, संसार के गीतों को गाते हैं, लेकिन प्रभु के जो लोग हैं, जो स्वर्ग राज्य में हैं, जो कलीसिया में हैं, वो लोग प्रभु का गीत गाते हैं, बहुत अच्छे से गाते हैं, ऊंची आवाज़ में गाते हैं। लेकिन जब हम बूढ़ा बूढ़ी हो जाएंगे, बूढ़े अवस्था में चले जाएंगे, हम 75-80 साल या 85 साल के हो जाएंगे,
तो गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा, कह रहा है। हमारे गले से जिस प्रकार से आज आवाज़ निकल रहा है, तो हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो उस प्रकार से एनर्जी के साथ हम अपने गले से गीत नहीं गा पाएंगे, हम ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा एनर्जी, हमारा ताकत कमज़ोर हो जाया रहेगा। तो बुढ़ापा विपत्ति का दिन है, इसलिए हमें बुढ़ापे में पछताना ना पड़े, हमें बुढ़ापे में अफसोस करना ना पड़े, तो अपनी जवानी में हम अपने सृजनहार परमेश्वर की महिमा करें, अपनी जवानी में हम अपने सृजनहार परमेश्वर को याद करें, हम परमेश्वर की संगति करें, प्रभु यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं। फिर आगे परमेश्वर का वचन कह रहा है, फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा। जब हम बूढ़ा बूढ़ी हो जाएंगे, 75-80 साल के हो जाएंगे, 85 साल के हो जाएंगे, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा। तो जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएंगे, हमें डर लगने लगेगा, हमारे हाथ पैर कांपने लगेंगे, इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा। अक्सर जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते, वे डरते हैं, तो वैसे ही हमारे जीवन में भी होगा। तो ये बुढ़ापा विपत्ति का दिन है, इसलिए हम अपनी जवानी में अपने सृजनहार परमेश्वर को याद करें। फिर आगे परमेश्वर का वचन कह रहा है, और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी। जब हम बूढ़ा बूढ़ी हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, और जब हम मार्ग में चलेंगे लाठी पकड़कर, डंडे पकड़कर या किसी के सहारे, तो हम साइकिल से भी डरेंगे। यदि सामने साइकिल आता रहेगा तो भी हम डरेंगे कि कहीं हमारे तरफ ना आ जाए। यदि छोटे बच्चे दौड़ते रहेंगे तो भी हम डरेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी। हम छोटी छोटी चीज़ों से डरेंगे। अभी हम जवान हैं तो किसी से नहीं डरते, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती रहती है, जाती रहती है, उससे हम पार हो जाते हैं। लेकिन जब हम बूढ़े हो जाएंगे 80-85 साल के, तो हम रोड क्रॉस भी नहीं कर पाएंगे, हमें डर लगने लगेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मार्ग में डरावनी वस्तुएं दिखाई देंगी। तो बुढ़ापा विपत्ति का दिन है, तो इसलिए विपत्ति का दिन आए हम अपने जवानी में अपने सृजनहार परमेश्वर को याद करें, अपने सृजनहार परमेश्वर की महिमा करें, ये परमेश्वर को भाता है। फिर आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है, और बादाम का पेड़ फूलेगा। बादाम का जो पेड़ होता है, जब वो फूलता है तो पूरी तरह सफ़ेद हो जाता है। ठीक वैसे ही हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे बाल पूरी तरह सफ़ेद हो जाएंगे। जिस प्रकार से बादाम का पेड़ फूलता है तो वो सफ़ेद हो जाता है, ठीक वैसे ही जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे सारे बाल पक जाएंगे। तो बेशक हम आजकल बाल काला करने वाले पॉलिश भी आते हैं, कई सारे लोग लगाते हैं, तो यदि हम पॉलिश लगाकर बाल काला कर भी लेंगे तो क्या हमारे शरीर का जवानी वापस आएगा? क्या वो ताकत बुढ़ापा में वापस आएगा जिस प्रकार से जवानी में हमारे पास ताकत है? नहीं आएगा। भले ही हमारे बाल काले हो जाएंगे तो क्या हुआ, लेकिन जो हमारी जवानी की जो ताकतें हैं, हमारी जवानी की जो समझ है, बुद्धि है, वो वापस नहीं आएगी, हमारी जवानी की एनर्जी वापस नहीं आएगी। तो आज हम समझें कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है, कि बादाम का पेड़ फूलेगा। जब बादाम का पेड़ फूलता है तो पूरी तरह सफ़ेद हो जाता है, ठीक वैसे ही बुढ़ापे में हमारे बाल पूरी तरह सफ़ेद हो जाएंगे, और टिड्डी भी भारी लगेगी, और भोग बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा। टिड्डी भी भारी लगेगी। यदि हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो छोटे भी चीज़ को उठा लेंगे, एक पाव, आधा किलो या एक किलो के चीज़ों को उठा लेंगे 75-80 साल या 85 साल की उम्र में, तो वो भी हमें बहुत वज़न लगेगा। आज हम अपनी जवानी में 50 किलो को भी उठा देते हैं और उठाकर घर ले आते हैं, हम अच्छे अच्छे वज़न को उठा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जवानी की ताकत है। लेकिन जब हम बूढ़े हो जाएंगे
तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि टिड्डी भी भारी लगेगी, मतलब थोड़ा भी चीज़ उठाने में हमें तकलीफ होगा, वो बहुत वजन जैसे लगेगा, बहुत वजन होगा। और फिर आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है, और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा। अभी हम 5 रोटी 6 रोटी 7 रोटी खा लेते हैं, अच्छा भोजन खा लेते हैं, भोजन करने के बाद आइसक्रीम खा लेते हैं और कई सारी चीज़ें जो खाने की चीज़ें हैं वो खा लेते हैं, पेट भर खाते हैं, कई बार तो पेट भर से भी ज़्यादा खा लेते हैं और उसे पचा भी लेते हैं क्योंकि अभी हमारे पास जवानी है। लेकिन जब हम बूढ़ावस्था में चले जाएंगे, जब हमारे जीवन में बुढ़ापा आ जाएगा, तो भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा। उस समय हम एक रोटी भी खाएंगे तो पेट भर जाएगा। उसके बाद यदि हमें कोई कहेगा और लो रोटी भैया या और चावल ले लो, तो हम कहेंगे हम नहीं खा पाएंगे, जिस तरह से आज हम खाने को पचा ले रहे हैं। लेकिन जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो खाने को ज़्यादा नहीं पचा पाएंगे, हमारा आधी रोटी या एक रोटी में पेट भर जाएगा। यदि हम भूख बढ़ाने वाला फल खाएंगे या टॉनिक पिएंगे तो वो भी उतना काम नहीं करेगा, वो भी उतना असर नहीं करेगा, क्योंकि हमारा मांस और लहू भी पुराना हो जाए रहेगा, हमारे पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाए रहेंगे और उसमें फिर पचाने की शक्ति नहीं रहेगी। और जब पचाने की शक्ति नहीं रहेगी तो हम भूख बढ़ाने वाला फल खाएंगे तो भी वो काम न देगा, हम अधिक रोटी खाने की कोशिश करेंगे फिर भी नहीं खा पाएंगे। तो ये बुढ़ापा विपत्ति का दिन है, इसलिए हमारे जीवन में विपत्ति आए, हम अपनी जवानी में अपने सृजनहार परमेश्वर को याद करें, अपने सृजनहार परमेश्वर की महिमा करें। फिर आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और एक दिन इस दुनिया को हम छोड़कर चले जाएंगे। जब हम पूरी तरह बूढ़े हो जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी मृत्यु हो जाएगी और हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, इस दुनिया को छोड़ देंगे, क्योंकि इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा। एक दिन सबको इस दुनिया को, इस संसार को छोड़कर जाना है, चाहे आप हो या मैं, कोई भी मनुष्य इस संसार में रहने के लिए नहीं आया है, सिर्फ कुछ दिन के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। जब हम लोग याकूब की पत्री में पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम्हारा जीवन तो एक भाप के समान है जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। हमारा जीवन सिर्फ थोड़े समय का है, पल भर का है। बाइबल के अनुसार, मसीह जीवन के अनुसार, हम एक यहाँ के यात्री हैं, ये पृथ्वी हमारे लिए परदेश है, एक आत्मिक वचन के अनुसार। और पूरे मनुष्यों को यदि गिना जाए संसार में तो कोई भी मनुष्य यहाँ पर रहने के लिए नहीं आया है, हम सबको एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। और फिर जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हमारे जो चाहने वाले हैं वो रोएंगे, वो छाती पीटेंगे और उसके बाद कुछ दिन बाद फिर भूल जाएंगे। तो इससे पहले कि हम इस दुनिया को छोड़ कर जाएँ, हम अपनी जवानी में अपने सृजनहार परमेश्वर को याद करें, अपने सृजनहार परमेश्वर की महिमा करें। एक आयत और है परमेश्वर के वचन में, पहला तिमुथियुस और उसका 4:12 में परमेश्वर के वचन में लिखा है, खासकर कलीसिया के जवान भाई बहनों के लिए, जवान लोगों के लिए, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। जब एक जवान अपनी चाल चलन को बिगाड़ लेता है, अपनी जवानी के दिनों में निकम्मे काम करता है, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। परंतु यदि जवान अपनी जवानी में परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर के कार्यों में मन लगाता है, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ कलीसिया के हर एक कार्यों को ईमानदारी के साथ करता है, प्रभु की संगति में रहता है, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताता है, तो उसे कोई तुच्छ नहीं समझते, बल्कि उस जवान को लोग अच्छा समझते हैं, कलीसिया में उनका बड़ा ही एक आदर होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हर एक जवान लोगों से कह रहा है, कलीसिया के जवान लोगों से,
कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन एक जवान को वचन में समझदार होना चाहिए, वचन का अध्ययन करने वाला होना चाहिए और चाल चलन मसीही चाल चलन में भी निपुण होने चाहिए। और प्रेम एक जवान को प्रेम करने वाले होने चाहिए कि एक जवान के हृदय में सबके प्रति प्रेम हो, निष्कपट प्रेम हो, निस्वार्थ प्रेम हो। प्रेम और विश्वास, एक जवान को प्रभु में अच्छा विश्वासी होना चाहिए, संपूर्ण विश्वास रहना चाहिए एक जवान के अंदर। और पवित्रता, एक जवान का जो चाल चलन है वो पूरी तरह पवित्र हो, उनका स्वभाव पवित्र हो, उनका जीवन शैली पवित्र हो। पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जब एक जवान इन सब कामों में अपने जीवन को बिताता है, प्रभु के वचन में, प्रभु के इच्छा के अनुसार चाल चलन में और प्रेम में, सच्चे प्रेम में और प्रभु के प्रति विश्वास में और पवित्रता में जाए, तो कलीसिया में उस जवान को जो विश्वासी भाई बहन हैं वे लोग एक आदर्श के रूप में देखते हैं। तो परमेश्वर का वचन यही चाहता है कि कलीसिया में जो जवान हैं वो कलीसिया के लिए आदर्श बने, परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने, परमेश्वर के कामों पर मन लगाएं और अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार परमेश्वर को स्मरण करें। तो आज के बाइबल स्टडी में बस इतना ही। महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करें। आमीन।